मैंने इससे पहले भी एक विद्यालय में ये कार्यक्रम किया था और आगे भी चलता रहेगा। प्रत्येक सप्ताह कोशिश है कि किसी न किसी विद्यालय में जाकर और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चे, उनको साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले क्राइम्स के प्रति जागरूक किया जाए और अगर वो इस स्थिति में फंसते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं पे भी, तथ्यों बातों पे भी चर्चा हुई, जिसमें पढ़ाई से जुड़े मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे भी थे। किस तरह का सर क्राइम देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर साइबर क्राइम के माध्यम से, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिनके प्रति सचेत करना जरूरी है? साइबर क्राइम में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स के मामले आते हैं जिसके माध्यम से आपको आर्थिक क्षति पहुँचाई जाती है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड स्पूफिंग या अन्य डेबिट कार्ड क्लोनिंग, ATM विड्रॉल, ऑनलाइन फ्रॉड, इसके माध्यम से आर्थिक क्षति पहुँचाई जाती है। और दूसरे प्रकार के साइबर क्राइम जिससे शारीरिक और मानसिक क्षति पहुँचती है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कुछ वेबसाइट्स का यूज करके अबोध बच्चों को, वो जो अपराधी होते हैं वो शिकार बनाते हैं और उसको फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार के बाजार में बेच दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऑनलाइन गेम्स है जिसकी परिणति आत्महत्या के रूप में हुई है, जैसे ब्लू व्हेल्स वगैरह जो गेम्स हैं, उसके प्रति भी बच्चों को जागरूक करना था कि इस प्रकार के मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्या लग रहा है सर, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा? मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मिले और ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। इसके अलावा सर स्कूलों में कंटिन्यू इस तरह का प्रोग्राम चले, इसके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है? मेरी कोशिश है कि मैं प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी विद्यालय में जाऊं और कम से कम 2 घंटे समय वहां पे दूं और इस प्रकार के बातों पे चर्चा हो, और अगर कोई भी विद्यालय मुझसे संपर्क करेगा तो मैं उसको समय दूंगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस उम्र के बच्चों को इस प्रकार के अपराधों से बचाया जाए और उनको जागरूक बनाया जाए इस प्रकार के मामलों के प्रति। सर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन लोगों को भी आगे आना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम्स करने के लिए? निश्चित रूप से, मेरा तो काम है पुलिस और बच्चों के बीच में जो इंटरफेस है उसको क्रिएट करना और जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करके उनके बीच में वार्तालाप का माहौल बने और उनको जागरूक बनाया जाए। अगर कोई सामाजिक संस्था भी इस प्रकार का कार्य करती है और उसमें उनको मेरा सहयोग चाहिए होगा तो निश्चित रूप से देंगे। थैंक यू सर।